हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स रिव्यू। दोस्तों, क्या आप लोग बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ करते हो? क्या आप लोग बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट करते हो? क्या आप लोग को बहुत ज़्यादा नोट्स लेना रहता है? क्या आपको ड्राइंग करना पसंद है? मैथ्स करते हो आप, ड्राइंग कर रहे हो, आपके बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट हो रहा है, बार बार खरीद रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट कर रहे हो तो एक चीज़ ऐसी आ चुकी है जो आपको इन सब चीज़ों से जो है बचा सकती है, और वो है ये रफ पैड। जी हाँ दोस्तों, ये रफ पैड जो है आपको उन सभी चीजों की जो है बचत करवाएगी। तो चलिए आइए दोस्तों, इस रफ पैड की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताता हूँ कि ये कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये है मेरे पास पोटोनिक की तरफ से रफ पैड 8.5 यानी कि इसका जो टोटल लेंथ है दोस्तों वो 8.5 इंचेस है, स्क्रीन साइज 8.5 इंचेस का है। दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन सेव मैनी ट्रीज, गुड हेल्प फॉर स्टूडेंट्स, रीराइटेबल एलसीडी पैड एंड अनस्पोकन वर्ड्स। तो दोस्तों ये इसका फ्रंट फेसिंग कवर है, और अगर हम बात कर लेते हैं पीछे की ओर तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है जैसे कि ईज राइटिंग है, फोर मैग्नेटिक डॉट्स है, आपको मैं एक एक करके से बताऊंगा, इको फ्रेंडली, विजन फ्रेंडली, वन क्लिक इरेज। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो है प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे 900 रुपीज, जो कि आपको ये कम से कम 350 एंड 400 रुपीज में मिल जाएगी अलग अलग वेबसाइट पे। तो दोस्तों चलिए आइए इसको जो है पहले हम लोग खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है ये एलसीडी पैड जिसको हम रफ पैड बोलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्लिम है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका जो दोस्तों बॉक्स है ये भी कितना ज़्यादा स्लिम है, बहुत ही ज़्यादा स्लिम है दोस्तों। और इसके अंदर आपको मिल जाता है एक कार्ड। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये पोटोनिक की तरफ से एक कार्ड है और कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो इनकेस अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज है या कुछ प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के साथ। तो उसको साइड में रख लेते हैं और जो है हम अपना रफ पैड को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये रफ पैड जो है कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये इतना ज़्यादा स्लिम है दोस्तों, आप देख सकते हो 4.5 mm है, ओनली 4.5 mm जो है इसका थिकनेस है दोस्तों। ये कहीं पर भी आसानी से जो है आ जाएगा, या आप इसको स्कूल बैग में ले लो, या फिर तो आप इसको किसी बुक के अंदर डाल लो, या फिर तो आप ऑफिस बैग्स में ले लो, ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप बॉटम में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्टाइलस मिल जाता है, तो स्टाइलस को आप ऐसे खींचोगे तो निकल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्टाइलस है दोस्तों, इसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक पेंसिल के जैसा है, प्लस ये बहुत ही फ्लैट बनाया है जिसकी वजह से आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत पॉइंटेड नहीं है, आप देख सकते हो थोड़ा ब्लंट है, जिससे जो है आपके एलसीडी पैड में बिल्कुल भी जो है कोई भी तरीके का स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलसीडी पैड इतना ज़्यादा यूज़फुल क्यों है। दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप जो है इमीडिएटली जो है कोई भी नोट अगर आपको लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ड्रॉ कर सकते हो, आप आपके बच्चों को दे सकते हो ड्रॉइंग करने के लिए। और फिर दोस्तों नोट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली नोट्स के लिए जो है बहुत सारा जो है पेपर वेस्ट करते हैं, बार बार जो है पेपर को रेफर करते हैं। पर लेकिन दोस्तों ये इतना हैंडी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख कर रखे दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे एक डिलीट बटन दिया हुआ है दोस्तों, तो आप कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी लिखे, उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से इसको इरेज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे डिलीट जो बटन है उसको बस एक बार क्लिक करना है तो सब कुछ जो है गायब हो जाएगा, इंस्टेंटली जो है सब कुछ रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप फिर से कुछ लिखें और फिर जो है डिलीट बटन दबा दीजिए, और आप फिर से कुछ लिखिए और फिर से जो है आप ये डिलीट बटन दबा दीजिए, तो एकदम से जो पूरा डिलीट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। दोस्तों दूसरा बहुत ही बढ़िया फीचर ये है कि दोस्तों ये प्रेशर सेंसिटिव है, यानी कि दोस्तों अगर आप इसमें प्रेशर डाल के कुछ लिखते हो तो इसमें थिक लाइंस क्रिएट होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप इसमें हल्का प्रेशर डालते हो तो दोस्तों यहाँ पे जो थिन लाइंस क्रिएट होती है, यानी कि आप किसी भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हो by applying pressure, और आप किसी भी वर्ड को थिन लाइनिंग के साथ लिख सकते हो by not applying much of the pressures, मतलब कि बिल्कुल हल्का लिखेंगे तो आपको जो है ऐसे लाइन्स क्रिएट होंगे, अगर आप प्रेशर डाल के लिखोगे तो आपको जो है बोल्ड वर्ड्स मिलेंगे या बोल्ड लाइन्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये है इसका प्रेशर सेंसिटिव वाला फीचर। दोस्तों इसके थर्ड फीचर के बारे में ये बताऊंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, जैसे कि आप देख सकते हो जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, चलिए डिलीट कर देते हैं और फिर से कुछ लिखते हैं, जैसे कि कुछ भी मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्राइट है, और ये तब तक डिलीट नहीं होगी, तब तक ये डिस्प्ले में ऐसे ही बनी रहेगी जब तक कि आप डिलीट बटन का यूज़ नहीं करते हो। दोस्तों तो बात कर लेते हैं इसके फोर्थ फीचर के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों इसका थिकनेस आप देखिए ना कितना ज़्यादा स्लिम है, ये आप कहीं पे भी जो है आसानी से रख सकते हो, जैसे कि स्कूल बैग्स में हो गया हो, या फिर तो ऑफिस बैग्स में, या बुक्स के अंदर रख लिया,
तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है इसका एडवांटेज है। देन कमिंग टू द फिफ्थ फीचर्स दोस्तों, अगर बैक में आप देखोगे इसके पीछे यहाँ पे 4 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, यानी कि अगर आप कुछ भी नोट्स लिखते हो यहाँ पे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, डेली रूटीन या कुछ लिख रहे हो आप या कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो आप इसको किसी भी मेटल पे जो है लगा सकते हो। एंड दोस्तों अबाउट इट्स सिक्स्थ फीचर ये है कि यहाँ पे आपको टॉप में जो है बैटरी का जो है एक सेक्शन मिल जाता है जो हम लोग रिमूव नहीं करते हैं। बट दोस्तों मैंने इसको सिक्स फीचर में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि एक तो ये आपको मिल जाता है बैटरी इसी के साथ, प्लस ये 50,000 इरेजेस तक जो है आप इस बैटरी को चेंज नहीं करनी पड़ती। यानी कि दोस्तों ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इतना ज़्यादा चलने वाला है दोस्तों, यानी कि 50,000 इरेजेस तक जो है ये बैटरी आपको काम दे देगी। एंड दोस्तों अबाउट इट्स अ सेवेंथ फीचर, ये जो कलर मैंने ऑर्डर किया है ये ब्लैक कलर का है, इसमें आपको दो और एडिशनल कलर्स मिल जाते हैं जैसे कि ब्लू है, पिंक है, पर वो दो कलर्स मुझे इतने पसंद नहीं है क्योंकि ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कहीं पे भी जो है आप इसको ले सकते हो, बट पिंक एंड ब्लू आर ऑल्सो वेरी नाइस। आप देख लीजिए जो भी कलर आपको पसंद है आप उस हिसाब से जो है कलर भी चॉइस कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्टली मैं आपको यही बताऊँगा कि इसका जो लास्ट फीचर रहेगा वो है कि दोस्तों आप इसको यूज़ करके हज़ारों पेपर्स बचा सकते हो। How cool is that? तो दोस्तों आपने मेरे ये पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, और आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है मिल चुकी रहेगी अभी तक इस रफ पैड के रिलेटेड। तो दोस्तों इसके सारे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके एडवांटेजेस के बारे में बता दिया है आपको मैंने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके दो डिसएडवांटेजेस के बारे में, सिर्फ दो जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, वो है दोस्तों अगर आप इस पर कुछ भी लिख रहे हो, इनकेस बीच में आप मैथ्स कर रहे हो और कुछ गलत हो जाए तो आप क्या करोगे, आपको पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा विद दिस डिलीट बटन। आप इसमें एक पर्टिकुलर चीज को जो है रफ नहीं कर सकते हो। सेकेंडली दोस्तों ये है कि आप कुछ भी इसमें लिखते हो, कुछ भी नोट्स लिखते हो, इसमें आप नोट्स को सेव नहीं कर सकते, यानी कि एक बार आपने सब कुछ लिख दिया तो आपको आइदर डिलीट करना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर सकते, और या फिर तो आपको फिर से दोबारा सारा चीजें लिखनी पड़ेगी। तो ये दो ही डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके फीचर्स भी काफी ज्यादा हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। अगर लगा हुआ है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यस मैं कुछ और नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हूँ रिव्यू के। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और यस कोरोना से बच के रहिए।